शुक्रिया। तरह फरियाल को भेज दीजिए। बाबा फरियाल तो अभी तक घर नहीं आई है। घर नहीं आई? वो तो ऑफिस से हमसे पहले निकली थी। तरह उसको फोन करो। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? तो ऑफिस से हमसे पहले निकली थी। दोस्त की घर चली गई थी, सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ जाया करो, बता के जाया करो, परेशानी होती है। खाना लगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं रेस्ट कर लूँ। हाँ पापा, फरियाल कुछ परेशान लग रही है। हाँ, एक ही तो परेशानी है उसकी और इस घर की, मेरा नालायक बेटा। जितनी भी कोशिश कर लूं, फरियाल के दिल से शाहजान का गम नहीं कम कर सकती। मुझे लगा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसको अकल आ गई होगी, घर आ जाएगा, माफी मांग लेगा। उसको कभी अकल नहीं आई। अपने साथ साथ उसने हमारी भी जिंदगी अजीरन कर दी है। सच कहूं तो बाबा, मुझे शाहजैन की बहुत याद आ रही है। आपसे तो उसकी नाराजगी है, लेकिन मुझसे, मैंने तो उसे बहनों की तरह प्यार किया है, अपनी अपनी औलाद समझा है उसे। उसने तो मुड़के कॉल भी नहीं किया मुझे, उसकी आवाज भी सुनने को तरस गई हूं मैं। पता नहीं किस हाल में होगा। बहुत खुश होगा, जब भी तो हम में से किसी की याद नहीं आ रही उसे। बहुत ही अनाप परस्त और खुदसर है, अपने अलावा उसको किसी की परवाह नहीं। अश्विन बेटा, देखो कोशिश करना फरियाल के सामने शाहजैन का जिक्र ना आए। मैं उसको मजीद दुखी नहीं देख सकता। जी बाबा, ऐसा ही होगा। शाबाश।